वंस अगेन वेलकम, दिस इज अभिषेक पांडे। और जैसा कि आपको पता है कि अगर इस ट्यूटोरियल्स को आप फॉलो कर रहे हैं, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो हम अच्छी तरीके से वहाँ हम किस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। और ये जो एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली हम बिल्कुल अर्श से या कहते हैं फर्श से लेकर अर्श तक के कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे फ्रेंड्स। तो आइए उसी एसक्यूएल के ट्यूटोरियल्स में कुछ पॉइंट्स जो पीछे हमने नहीं कवर किए उसको अब कवर करते हैं, जिसमें हम आगे की कॉन्सेप्ट में जो क्लियर करेंगे वो ट्रंकेट कमांड का यूज़ करेंगे, कॉपी, टेम्प टेबल और अल्टर टेबल, इन सारे कमांड को यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रंकेट का। फ्रेंड्स होता क्या ना, जब हम एसक्यूएल पे काम करते हैं, ठीक है, और चाहे वो माई एसक्यूएल हो, चाहे वो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो हो, मोंगोडीबी हो, चाहे कोई भी हो, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि डिलीट, ठीक है, फिर ड्रॉप, और अब आ गया ये ट्रंकेट। अब इन ये तीनों एक दूसरे के सिमिलर लगते हैं, डिलीट करना, ड्रॉप करना, ट्रंकेट करना। इसकी मीनिंग अगर आप जाके डिक्शनरी में यूज़ करोगे, देखोगे, तो वहाँ आपको लगभग सिमिलर सिनोनिम्स जैसे फील होंगे आपको कि सिनोनिम्स ही हैं, लेकिन एसक्यूएल में सबका जो वैल्यू है थोड़ा थोड़ा अलग है और इसकी जो मीनिंग है वो अलग है। तो ट्रंकेट की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ट्रंकेट क्या करता है, जो आपका डिलीट कमांड करता था, डिलीट कमांड क्या करता था, एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं हम सारे कॉन्सेप्ट को। ड्रॉप कमांड जो था या ड्रॉप क्वेरी जो थी, ड्रॉप क्वेरी के साथ अगर हम ड्रॉप टेबल, टेबल नेम लिखते थे, तो ड्रॉप टेबल, टेबल नेम लिखने के बाद टेबल की स्ट्रक्चर और टेबल के अंदर जितने रिकॉर्ड्स थे सबके सब डिलीट हो जाते थे। इतनी बात समझ में आ गई। अगर वहीं हम डिलीट क्वेरीज का इस्तेमाल करते थे, तो डिलीट क्वेरी में टेबल का स्ट्रक्चर वैसे का वैसे बना रहता था, उसके अंदर के रिकॉर्ड, नंबर ऑफ रोज जितने होते थे वो डिलीट हो जाते थे। और यही काम हमारा ट्रंकेट भी करता, अगर इसकी बात करते हैं तो ट्रंकेट भी क्या करता, अगर हम ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम लिखते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी टेबल की स्ट्रक्चर बनी रहती है, बट रोज होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। तो अब बात आती है कि सर ट्रंकेट और डिलीट जब दोनों एक ही साथ काम कर रहे हैं और एक ही जैसा काम कर रहे हैं, तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो कोई खास डिफरेंट नहीं है ट्रंकेट और डिलीट में, सिर्फ डिफरेंस ये है दोस्तों कि ट्रंकेट डिलीट से थोड़ा सा फास्ट काम करता है। और डेटाबेस में जब डेटा बहुत सारे हों, तो एक एक सेकंड की वैल्यू हमें समझ में आती है, तो इस वजह से हम ट्रंकेट कमांड को पढ़ेंगे। अच्छा, ट्रंकेट कमांड को समझना है तो हम सबसे पहले ट्रंकेट का जो एग्जांपल होता है या ट्रंकेट की जो क्वेरी होती है वो ये है, ट्रंकेट टेबल लिखेंगे और टेबल का जो नाम होगा हम वो लिखेंगे। एक बार दोबारा से बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स कि जो भी टेबल होगा, टेबल के स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं होगी, टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होगा, जैसे रोल नंबर, नेम, आईडी, ठीक है, ये स्ट्रक्चर नहीं डिलीट होगा, इसके अंदर जितने रो हैं फ्रेंड्स वो डिलीट हो जाएंगे, ये ट्रंकेट कहलाता है। तो आई होप आपने इस ट्यूटोरियल में ट्रंकेट को समझा होगा, डिलीट को समझा होगा, ड्रॉप को समझा होगा। और बेसिकली दोस्त, अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियोस तो लाइक करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है यार, कमेंट करो मत करो ये आपकी परेशानी है, शेयर जरूर कर दो, क्योंकि बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं जो इस टाइप के वीडियोस की इंतजार करते हैं तहे दिल से। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।